भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे हम लोग। इस प्राणायाम का अभ्यास करने से जिनको माइग्रेन है, जिनको आधा कपारी है, आधा सीसी का दर्द है, सर दर्द करता है, जिनको नींद नहीं आती है, जिनको फैटी लीवर या लीवर में किसी प्रकार की समस्या है, या जिनको तरह तरह का एक नकारात्मक विचार उत्पन्न होता है, उनके लिए ये बहुत लाभकारी अभ्यास है। और जिन बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उन बच्चों के लिए भी अमृत तुल्य है। इसलिए आइए दोनों उठा कान में डालिए, तर्जनी लाल पर। आंख बंद रखिएगा, हाथ नीचे करिए और तीन बार ओम का उच्चारण करिए। मौन हो जाइए और सांस धीरे धीरे भरिए, छोड़िए। ये आठवां अभ्यास होता है प्रणव प्राणायाम। इसमें आत्म चिंतन, आत्म परीक्षण निरीक्षण करते हैं कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, धरती पे काहे के लिए हम पैदा हुए हैं, हम लोग सुअर नहीं बने, गधा नहीं बने, आदमी ही क्यों बने। इस विचारणीय तथ्यों पर अपने विचार प्रकट करते हुए हम परमात्मा को धन्यवाद देते हैं कि हम अपने पूर्व जन्मों के शुभ संस्कारों से हम प्रेरित होकर के इनाम स्वरूप हमें मानव जीवन प्राप्त हुआ है। इसने मानव से महामानव बनने की यात्रा की शुरुआत करनी है। तो आइए दोनों हाथ को ऊपर उठाइए, हथेली को रगड़िए और इस हथेली को अपने आँखों पर रगड़िए, धीरे धीरे मालिश कर लीजिए और फिर सभी को स्पर्श करिए। ओम।